नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। अंगारकी चतुर्थी व्रत, और वो भी कहते हैं कि संकष्टी अंगारकी चतुर्थी व्रत, तो संकट हर लेने का व्रत होता है ये। और कहते इसे व्रत को जो कहते हैं कि पूरी पूजा और विधि विधान से करना चाहिए। और जब भी वैसे भी हम किसी भी पूजा किसी भी व्रत को विधि विधान से करते हैं तो हमें फल जो है वो बहुत अच्छा फल देते हैं वो। अब जब हम हिंदू पंचांग की बात करते हैं, क्योंकि जब हम कैलेंडर को फॉलो करते हैं तो हिंदू कैलेंडर को ही फॉलो करना चाहिए, बट आजकल जो इंग्लिश कैलेंडर ज़्यादा फॉलो किया जाता है। और हिंदू पंचांग के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो हर महीने में दो चतुर्थी आती हैं, और एक होती है कृष्ण पक्ष की, एक होती है शुक्ल पक्ष की। और विनायकी चतुर्थी जो संकष्टी चतुर्थी, ये दो चतुर्थियाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चतुर्थी होती है। और हर महीने के जो शुक्ल पक्ष के चौथी चतुर्थी तिथि पर पड़ती है उसे कहते हैं उस शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कहते हैं हम लोग संकष्टी चतुर्थी, और जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है उसे हम विनायक चतुर्थी कहते हैं। यानी ये दो चतुर्थियां आपके जीवन के सारे संकट हर लेती हैं। और गणेश जी की जब बात आती है तो वैसे भी जैन प्रथम पूजनीय देवता कहा जाता है। कहते हैं किसी भी काम की शुभता के लिए अगर हम प्रथम पूजा गणेश जी की करते हैं तो सारी पूजा सफल हो जाती है। तो इनका दर्जा प्रथम पूजनीय देवता का दर्जा है। तो ऐसे में सोचिए संकट हर लेते हैं आप, और विनायक आपको जी भर भर के बहुत सारे ढेरों सारे आशीर्वाद देते हैं। ये दोनों चतुर्थियां अपनी एक महत्वता रखती है। और संकष्टी चतुर्थी कहते हैं कि आपके सारे संकटों को हर लेती है। जब भी हम इस व्रत की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और गणपति की आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट जो होते हैं वो नहीं आते हैं, हमारे जीवन में सुख आते हैं। और जितनी परेशानियां, जो आप परेशानियों का अंत चाहते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत को करने से वो सारी परेशानियों का हल निकलता है। और ये व्रत वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत फलदायी होते हैं, बहुत फल देने वाले व्रत होते हैं। अब 19 अप्रैल को है श्री गणेश अंगारकी चतुर्थी व्रत, यानी इसे संकष्टी व्रत भी कहा जाता है, और ये मंगलवार का दिन पड़ रहा है। 18 तारीख की जो तिथि का महत्व कहते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि तिथि का बहुत महत्व होता है। 18 तारीख को जो तिथि शुरू हो रही है, प्रारंभ हो रही है, वो हो रही है रात को 11:37 पर, यानी 11:37 पर तिथि की शुरुआत हो रही है। और ये तिथि का जो समापन होगा वो होगा 19 की रात को, यानी 19 तारीख की रात्रि में 8:24 यानी 8:24 पर ये तिथि समाप्ति होगी। और अंगारकी चतुर्थी व्रत के तो मंगलवार का दिन पड़ा है, मंगलवार के दिन की वजह से इन्हें अंगारकी चतुर्थी व्रत कहा जाता है, लेकिन है ये संकष्टी चतुर्थी व्रत, यानी संकट हर लेने वाला व्रत होता है। मां पार्वती के पुत्र पूरी दुनिया में प्रथम पूजनीय देवता है, यानी प्रथम नंबर पर इनकी पूजा की विधि विधान है। और ये कहते हैं कि जब किसी कार्य को आप शुभ कार्य को, शुभ मुख भी कहा जाता है इन्हें, इसलिए शुभ मुखता के साथ की अगर हम बात करें तो किसी भी कार्य को अगर आप करना चाहते हैं और शुभता प्रदान करना चाहते हैं, शुभ कार्य करना चाहते हैं, और वो कार्य आप चाहते हैं कि हर तरीके से फलीभूत हो, तो सबसे पहले प्रथम पूजनीय देवता का ही आपको पूजा का जो आरंभ है इन्हीं से ही करना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि आपके जीवन संकट मोचन तो इन्हें कहा ही जाता है कि संकट आपके जीवन में नहीं आने देते हैं, विघ्न नहीं आने देते हैं, इसीलिए इनको विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। और कई नामों के भालचंद्र इन्हें कहा जाता है, यानी शुभ मुख इन्हें कहा जाता है, तो कई नाम है इनके, लेकिन हर नाम इनका अपने आप में एक परेशानी का अंत करने वाला है। हर नाम में एक शक्ति है, हर नाम में एक कष्ट का निवारण करने की शक्ति है, तो इसलिए इनके नामों का जाप भी किया जाता है। और तो और ये कहते हैं कि अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं
और खास करके ज्यादातर लोग इनका व्रत रखते हैं। इस व्रत को रखने से वैसे भी कहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर के, आपके सारे सदस्यों के जीवन में कोई कष्ट नहीं आता है, और ये सिर्फ किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, ये पूरे भारत में ये व्रत जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट श्रद्धा से मनाया जाता है। बहुत सारी माएँ हैं जो परेशान होती हैं बच्चों की संतान को लेकर के, यानी उनके घर में संतान नहीं होती है, तो कहते हैं संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से उनके घर में संतान की उत्पत्ति होती है, यानी संकट हर लेने वाला। वो संकट चाहे किसी भी तरीके का हो, चाहे माँ के ऊपर संकट हो, चाहे संतान के ऊपर संकट हो, तो ये संकट हर लेने का व्रत होता है, इसीलिए इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। अगर बच्चों को परेशानी होती है, बहुत बच्चे हैं जो अपने मिशन अचीव नहीं कर पाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, तो उन्हें भी अगर के इस व्रत के दिन, माता खास करके वो व्रत रखे, लेकिन इस व्रत के दिन अगर वो थोड़ा सा गणपति का स्मरण करते हैं, एक तो उनकी तीव्र बुद्धि होती है कि बहुत तेज बुद्धि के दाता भी माने जाते हैं ये, तो तीव्र बुद्धि भी होती है, प्लस उन्हें अपने जीवन में जितने भी संकट घेर लेते हैं, हर्डल्स क्रिएट हो जाते हैं, वो हर्डल्स भी रिमूव होते हैं उनकी जिंदगी के, और जो वो मिशन वो पाना चाहते हैं, जिस मिशन की तरफ वो अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं, जहां उन्हें बार बार रुकावटों का कहते हैं सामना करना पड़ता है, तो वो रुकावटें भी उनकी जिंदगी से दूर होती हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका माता पिता के साथ तालमेल नहीं होता, तो ऐसे माता पिता अगर इस दिन कहते हैं कोई उपाय करते हैं और गणेश जी की आराधना करके गणेश जी से वरदान मांगते हैं, तो उनके ये कष्ट भी दूर हो जाता है, यानी आपस में एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है, एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी सहायता करते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा जानते हैं, पहचानते हैं, मिल बैठ करके अपनी जिंदगी को आगे चलाते हैं। कहते हैं कि इस दिन कुछ चीजें आपको जरूर करनी है। गणपति को मोदक बहुत पसंद है, वैसे भी कहते हैं कि घर में अगर बना करके मोदक आप उन्हें भोग लगाते हैं तो बहुत शुभ माने जाते हैं। गणपति को लड्डू बहुत पसंद है, उनको भोग लगा सकते हैं, लेकिन उन सब चीजों से एक चीज उन्हें बहुत प्रिय होती है, वो होती है दूव, यानी दूरवा जिसे हम कहते हैं। वो अगर के आप हर संकष्टी चतुर्थी पर और हर विनायक चतुर्थी पर अगर इन्हें अर्पित करते हैं, तो ये कभी भी आपको किसी संकट के घेरे में नहीं आने देते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि संकष्टी चतुर्थी और विनायक चतुर्थी, और संकष्टी चतुर्थी का व्रत की अगर हम बात करें तो इस समय हम वही बताएंगे कि संकष्टी चतुर्थी में अगर हम गणेश स्तोत्र पढ़ते हैं, या फिर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ऑडियो के माध्यम से भी अगर आप सुनते हैं तो भी आपके कष्ट हर जाते हैं, आपके कष्ट दूर होते हैं। गणेश चालीसा कहते हैं कि इस दिन संकष्टी चतुर्थी पर जो बच्चे गणेश चालीसा का स्मरण करते हैं, उनकी बुद्धि तो तेज होती होती है, जो रुकावटें उनके किसी भी मिशन को पाने में आती हैं, वो सारी रुकावटें उनकी जिंदगी की दूर होती हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर गणेश मंत्रों के आप जाप करते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, आपके चेहरे का तेज भी बढ़ता है, आपकी बुद्धि का विकास भी होता है, और आपके अंदर एक शक्ति का बल भी प्रदान होता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर माता इस दिन गणेश स्त्रोत्र पढ़ती है या फिर गणेश स्त्रोत्र का स्मरण करती हैं, सुनती हैं, तो जो भी उनकी तकलीफें या उनके बच्चे के जीवन में आने वाली तकलीफें होती हैं, वो सारी की सारी तकलीफें दूर होती हैं। भगवान गणेश बहुत सारे ढेरों आशीर्वाद देते हैं। तो देखा आपने, गणेश चतुर्थी व्रत जो कि महीने में दो आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की, अगर आप मात्र सिर्फ इन चतुर्थियों पर भी गणेश की आराधना कर लेते हैं तो भी आपकी जिंदगी की सारी परेशानियों का अंत होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली हर वीडियो का आपने इंतजार जरूर करना है।
और अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पर्सनली इंडिविजुअली कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है वो आप मेरी टीम को बात करके अपनी सेटल करवा सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। और उसके बाद आप अगर मिलने की अपॉइंटमेंट चाहिए तो भी आपको कुछ समय पहले लेनी पड़ती है। अगर आपको ऑन फोन कंसल्टेंसी चाहिए तो भी आपके लिए संभव है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो डेफिनेटली हम हर समस्या से दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।